हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोमल्स किचन एक्सप्रेस। तो आज हम आपके साथ में कच्चे आम के मीठे अचार की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। इस अचार को आप सालों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अचार की रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे कटे हुए कच्चे आम लिए हैं, इनको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। फिर इन्हें हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, फिर कॉटन के कपड़े से इन्हें एकदम ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ बड़े पीसेस भी रह गए थे, तो उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने एक बर्तन में नमक और हल्दी ली है, इनको हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जो आम के टुकड़े थे वो हमने एक बर्तन में ले लिए हैं, इसके अंदर जो हल्दी और नमक वाला मिक्सचर है वो डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो हमने यहाँ पे 1 किलो आम लिए हैं और इसके अंदर हमने 1 बड़ा चम्मच हल्दी और 2 बड़ा चम्मच जितना नमक डाला है। अब इसे हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हल्दी और नमक एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हमने इसे ढक के 6 से 7 घंटे के लिए रख देना है। 6 से 7 घंटे के बाद में आप देखेंगे कि केरे में से पानी रिलीज हो गया है। अब इन केरियों को हमने कॉटन के कपड़े पे 2 से 3 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख देना है। अगर आप इसे धूप में रख रहे हो तो 1 घंटे के लिए ड्राई कर लीजिए इसे। तो 2 से 3 घंटे के बाद में देखेंगे कि केरी एकदम अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे जो सफेद वाला गुड़ आता है वो लिया है, इसको हमने चक्कू की मदद से इस तरह से छोटा छोटा कट कर लेना है। तो 1 किलो केरी के हिसाब से हमने 2 से 3 कप जितना यहाँ पे गुड़ लिया है। अब जो केरी के पीसेस हमने ड्राई करके रखे थे वो इसके अंदर डाल देंगे। तो अब हमने यहाँ पे जो तैयार मीठे अचार का जो मसाला आता है वो लिया है, इस मसाले को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये जो तैयार अचार का मसाला है इससे अचार बहुत ही टेस्टी लगता है और अचार बनाने में मेहनत भी बहुत कम लगती है। अब हम अचार को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस अचार को हमने एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है और ढक कर इसे पूरी रात के लिए छोड़ देना है। तो दूसरे दिन सुबह आप देखेंगे कि जो हमने गुड़ डाला था इसके अंदर वो एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसका टेक्सचर भी कितना बढ़िया हो गया है। अब इस अचार को स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे कंटेनर लिए हैं, इस कंटेनर के अंदर हम इस अचार को ट्रांसफर कर देंगे। तो सारा अचार हमने कंटेनर में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसके अंदर हम तेल डालेंगे। तो इस अचार में ज्यादा तेल यूज नहीं होता है, सिर्फ आप उतना ही तेल डालिए कि आम के जो पीसेस हैं वो तेल के बाहर ना रहें। तो इस अचार को आपने धूप में रखने की जरूरत भी नहीं है, बस 2 से 3 दिन से एक बार हिला दीजिए। 10 से 15 दिन के अंदर ये आम का अचार खाने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। तो खट्टे मीठे कच्चे आम के अचार की ये रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।